कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों को लेकर योगी सरकार का नया फरमान आया है। पूरे यूपी में यात्रा रूट पर लगने वाली दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया गया। दुकानदार को अपना नाम पता लिखना ही होगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में भी, विशेष तौर से हरिद्वार में प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को कहा है कि वो अपना नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखकर तख्ती लगाएं और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी दुकान कांवड़ रूट से हटाई जाएगी। पहले मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत हुई और वो चर्चा का विषय बना, विवाद भी हुआ। विपक्ष ने सरकार को इस मामले को लेकर घेरा है, तमाम प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन बड़ी खबर यह कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है और उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में विशेषकर हरिद्वार में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि दफ्ती लगाएं, अपना नाम पता डिटेल्स दें। एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सभी सर्कल अफसरों को यह निर्देश दिया गया है कि जितनी भी हमारे कांवड़ मार्ग में होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या जो रेडी ठेली लगी है, उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका QR कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और उसको वहां पर जो हमारा कांवड़ रूट है उसे हटाने का भी। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यू टर्न ले लिया है। कल उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि यह फैसला अस्पृश्यता जैसा है, लेकिन अब उनका रुख बदल गया है। हमारे सहयोगी जितेन बहादुर ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आज जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो पुलिस का आदेश आया, फरमान आया है, उसको लेकर के राजनीति भी हो रही है और लगातार विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी यही कह रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई थी कहीं पे से भी, उसको करेक्ट किया गया है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि किसी भी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन किसी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लाइन ऑर्डर की रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और सभी सुरक्षित हों, सभी सुरक्षा के साथ अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को जो है वो आगे कर सकें, इसलिए इसमें कहीं तरह कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है नाम के पहचान का या नाम लगाने का, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने जिस तरीके से ट्वीट किया था, कहा था कि इन तमाम चीजों से अस्पृश्यता बढ़ेगी और दूसरी बातें आपने कही थी, तो ये तो जो कदम बढ़ाया जा रहा है वहाँ की राज्य सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर आप ही की सरकार। उस समय जो है वो कुछ एक जगह के एडमिनिस्ट्रेटिव जो दिशा निर्देश थे, जिसे डायरेक्टिव कहते हैं, उसमें उसको लेकर के कंफ्यूजन हुआ था। उसमें लगा था कि किसी एक धर्म विशेष, किसी एक जाति विशेष, ये सारी चीजें थी। आज इस चीज की क्लियरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने की है और मुझे लगता है इस पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सर, राज्य सरकार ने ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। उनकी तरफ से फिर से सीएमओ की तरफ से कहा गया कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। खुद मंत्री किसको आपत्ति है? आस्था की शुचिता और आस्था का सम्मान और आस्था का जो है वो किस को जो है वो सुरक्षित रखने की अगर कहीं पर भी कोई कोशिश हो रही है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? और मुझे लगता है कि इसमें अब कोई किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, हिंदुओं के नाम पर मुस्लिमों ने दुकानें खोल रखी, इसलिए पहचान उजागर होना जरूरी है। तो विशेष रूप से देखने में ये आया है कि कुछ लोग अपनी दुकानों के नाम, ढाबों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं और जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। मुझे यहाँ तक भी कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है कि जब वो अपनी दुकान में नॉनवेज बेचते हैं, यानी हिंदू धर्म के वैष्णो ढाबा भंडार, शाकुंभरी देवी भोजनालय, शुद्ध भोजनालय, ऐसा लिख करके गणपति धाम शुक्र भोजनालय ऐसा लिख करके उसमें नॉनवेज बेचते हैं, तो उसमें बड़ी आपत्ति होती है। पीछे भी झगड़े हुए हैं, तो मेरी डिमांड ये थी जिला प्रशासन से, शासन से, कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों के नामांकित किया जाए। देखिए, वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना, गरीब लोग हैं, लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बायकॉट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं, लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक?
अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं।